मनावर के जनपद पंचायत बीआरसी भवन में सेव द चिल्ड्रन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रिजेश चौहान, सीईओ एमएल काक, सीडीपीओ ममता गणेश सहित सेव द चिल्ड्रन के समस्त पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रिजेश चौहान ने बताया कि चार गांवों में समितियां बच्चों के साथ काम कर रही हैं। चार गांव के बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनकी भी समस्याएं सुनी गईं और बच्चों ने प्रस्तुति भी दी। मुख्य समस्या शिक्षा से दूरी और हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा बाल मजदूरी में लिप्त ना हो। और आगे कहा कि प्राइवेट स्कूलों से भी ये शिकायत है कि वे बहुत अधिक फीस ले रहे हैं, लेकिन शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि केवल छात्र छात्राओं से ट्यूशन फीस ली जाए, इसके अलावा अन्य कोई चार्ज न लिया जाए। ब्रजेश चौहान, मध्य प्रदेश बाल आयोग मेंबर। आज यहाँ मनावर ब्लॉक में सेव द चिल्ड्रन द्वारा बाल संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें मैं उपस्थित हुआ। और ये जो लगभग चार गांव में इनकी समितियाँ बच्चों के साथ काम कर रही है, उन चारों गांव के बच्चे यहाँ आए थे, उपस्थित हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और उन्हीं सब बच्चों ने अपनी समस्याएँ बताई। और समस्याओं में बच्चों की जो मुख्य समस्या निकल के आई है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से दूरी है, बच्चे ड्रॉप आउट हैं, उसका भी हमने कारण जानने की कोशिश की है। बहुत सारी तकनीकी खामियां नज़र आई हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे सबके साथ मिलके। और बाल मजदूरी भी जो है, बच्चों ने बताई कि उनके माँ बाप मजदूरी करने जाते हैं, उसके कारण अशिक्षा का होना ये मुख्य कारण है। तो शासन प्रशासन भी मौजूद है, सीओ साहब हमारे साथ, डीओ साहब हैं, और भी सभी शिक्षा विभाग से हैं, महिला बाल विकास से हमारी सीडीपीओ है, सभी के साथ मिलकर बैठकर हम इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल की भी लगातार शिकायतें आती हैं फीस की मनमानी को लेकर। इसको लेकर स्पष्ट कर दूँ कि शासन के स्पष्ट आदेश है, केवल फीस जो है वो ट्यूशन फीस देनी है। अगर कोई स्कूल इसके बच्चों के साथ इस तरीके का बिहेव करता है या ट्यूशन फीस के अलावा उनके पालकों को परेशान किया जा रहा है, तो हमारी फोरम पर शिकायत करें, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।